द्वापर से रावण की दुनिया नहीं शुरू हो जाती, न रावण को जलाना शुरू हो जाता है। द्वापर में फिर भी सात्विकता होती है, शास्त्र भी सच्चे होते हैं, शास्त्रों के अर्थ भी सच्चे होते हैं, बस फिर वहां नहीं होते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पार्ट वहां नहीं होता। अहंकारियों का पार्ट रतिया में अंत में होता है या शुरुआत में होता है? द्वापर में अंत में, अंत में होता है। माना कंप्लीट रावण कब कहेंगे? जब दस अवसर कंप्लीट हो जाए अपना पार्ट बजाने के लिए। बाबा बोला है कि आप पर्वत से आबू से माउंट आबू तक लगेगी, बच्चे भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो एक और तो बोला है कि यानी शायद ये अनुभव करेगी, देखेगी नहीं बाप को टीवी में, पेपर में, अखबारों में अनुभव करेगी, देखेंगे नहीं। भक्त कैसे पहुँचेंगे माउंट आबू तक? भक्त कैसे पहुँचेंगे? भक्तों की संख्या कितनी है और ज्ञानियों की संख्या कितनी है? ज्ञानियों की 4.5 लाख। तो 4.5 लाख की पहले लाइन लगेगी या भक्तों की पहले लाइन लगेगी? 4.5 लाख। 4.5 लाख की पहले लाइन लगेगी। काला था तब पुरुषार्थ किया था, जब गोरा बन गया तो पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रही, उसे कहेंगे देवता। जो सतयुग के देवताएं हैं उनकी पूजा होती है, या संगम युग में जो संपूर्ण स्टेज पाने वाले ब्राह्मण होते हैं उनकी पूजा होती है। संगम युग में जो ब्राह्मणों ने पुरुषार्थ का रूप धारण किया है वो पुरुषार्थ रूप की पूजा होती है। तो पुरुषार्थी है तो काले हैं, शंकर जी याद करते हैं तो पतित है या पावन है? शंकर याद में बैठे हुए हैं, तो याद में बैठना माना तपस्या करना। तो तपस्या पतित करता है या पावन करता है? पतित करता है। राम जी रावण बनता है, कृष्ण जी चंद्र बनता है, कलयुग चंद्र बनते हैं, कलयुग चंद्र में कुछ इंसिडेंट को कैसे मापेंगे? कलयुग कंस है या हो चुका है या होगा फिर कल, कुछ जब सारा ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाए, और सारा ज्ञान प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी एक एक की हालत खराब बनी रहे तो तमो प्रधान कहेंगे या सतो प्रधान युग कहेंगे? तमो प्रधान। नहीं, जैसे कि गिनती के हिसाब से 2008, 9, 10, 11 है, इसको मापेंगे माना? गिनती के हिसाब से 2009 के बाद गिनती नहीं देखी जाती है, गिनती के हिसाब से नहीं है, अवस्था के हिसाब से देखा जाता है। और तो कोई को जोर डाल रहा है कि जल्दी बना दो? किससे मना कर दो? वो अपने आप ही भाग जाएंगे, जब उन्हें गंध दिखाई देगी तो भाग जाएंगे, अपनी अवस्था खराब होती दिखाई जाएगी, देखने में आएगी हमारी अवस्था खराब हो रही है तो भाग जाएंगे। नहीं कहूँ कुछ। क्यों आप क्यों कहें कुछ? मुरली में आया है, जब तक 500 करोड़ की दुनिया है तब तक कोई पावन नहीं कर सकता। ठीक है, राधा कृष्ण का जन्म तो 500 करोड़ की दुनिया के बीच होगा ना? अच्छा, 500 करोड़ की दुनिया के बीच कौन से राधा कृष्ण का जन्म होगा? जिस राधा कृष्ण के जमाने में कंस दिखाया जाता है उस कृष्ण की बात है या सतयुग कृष्ण की बात है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रहेगी तो उनके शरीर पावन बन जाएंगे क्या? नहीं, आत्मा पावन बनेगी, शरीर थोड़े ही पावन बन जाएंगे। 5 तत्वों को पावन बनाने के लिए सारी दुनिया का वाइब्रेशन पावन होना चाहिए, और जब तक 500 करोड़ की दुनिया है तब तक वाइब्रेशन पावन नहीं हो सकता, इसलिए विनाश जरूरी है। बाबा, गऊ माने गैया, सत्य के गैया दिखाई जाती है ना, गऊ कहो, गोपियां कहो, तो 16108 की संख्या है, वो 16108 में
बड़े से बड़े पाप आत्मा भी मौजूद है और वो बड़े से बड़े पुण्य आत्मा भी मौजूद है, क्योंकि वो राज परिवार है, यथा राजा तथा प्रजा, वो चुनिंदा आत्माएं हैं दुनिया की। तो उन आत्माओं का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, पर्वत गौ वर्धन पर्वत माने गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़, वो उठा लिया। काय को उठा लिया, सबसे छोटी उंगली को उठा लिया, सबसे छोटी उंगली माने कनिष्ठिका, जो कनिष्ठ पार्ट बजाने वाली है उस पर उठाई लिया। जो माला है उस माला में आखिरी मनका कौन है, जो सबसे कमजोर है, पीपल के पत्ते के वाके के हिलता डुलता है, है? हाँ, ब्रह्मा की सोल जिसमें प्रवेश करके अंत में पार्ट बजाती है, जगदम्बा महाकाली का पार्ट है ना, तो पीपल का पत्ते का पार्ट है वो, कनिष्ठिका उंगली हो गई। सारी दुनिया का बड़े से बड़ा संगठन वो संभालेगी। उसको दिखाते हैं गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाई लिया है। ये वो ही विशेषता है जिसके लिए बताया है कि दो मणके भगवान के सबसे नजदीक है, पहला मणका भी नजदीक है तो आखिरी मणका भी नजदीक है। कौन सी विशेषता है बाबा? महाकाली की नजदीक तो बाबा, ये तो पूरा पॉइंट बताइए। उनसे गाओ जो बीच में बोलते हैं, पॉइंट पूरा ही नहीं हुआ। हाँ, तो साथ में कौन सी विशेषता के कारण लास्ट में आगे भी दोनों साथ होते हैं? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनको जो काम मिला हुआ है उस काम पर मुस्तैद हो जाते हैं। शक्तियों को काम मिला हुआ है संहार करने का, वो अपने पार्ट को पहचान लेती है और मजबूत होकर के काम करती है दृढ़ता पूर्वक। जीवन में दृढ़ता ही सबसे बड़ी ताकत है। हैं? है? कौन सी बात में अनिश्चय अनिश्चय है? जब दृढ़ता है अपने प्रति माने निश्चय में, बाप वो है कि मैं हूँ, कृष्ण बाप है या राम बाप है? राम बाप। अरे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है जगदम्बा में, जगदम्बा महाकाली का पाठ बजाती है, महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाया जाता है, वो किसकी यादगार है? ब्रह्मा की प्रवेशता की यादगार है। तो जो ब्रह्मा है वो गीता का भगवान किसको मानेगा? कृष्ण को मानेगा। और ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करके पाठ बजाएगा वो आत्मा किसको मानेगी? गीता का भगवान वो भी कृष्ण को मानेगी। लेकिन बाबा जब तक कोई निश्चय बुद्धि नहीं है, जब तक कोई निश्चय बुद्धि नहीं है। दिल्ली का सुधार माना सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, पहले माता गुरु का परिवर्तन होना चाहिए या पहले दूसरों का परिवर्तन होना चाहिए? सबसे ज्यादा पतित कौन बनी? माताएं। और माताओं की माता कौन? जगदम्बा। तो उसका उद्धार नहीं होना चाहिए? बाबा पहले बोलते थे मम्मा के लिए दो सच लाइट, अब बोलते हैं वैष्णो की शक्ति के लिए सच लाइट दो। मम्मा के लिए वैष्णो शक्ति के लिए सच लाइट, सच लाइट होती है। आह्वान करो बात अलग है, और आप बोलते हैं वैष्णवी का आह्वान करो। हाँ तो आह्वान, मम्मा का आह्वान करने के लिए तो बोला ही नहीं कभी। नहीं सच लाइट दो, आह्वान प्योरिटी का करना है कि इम्प्योरिटी का करना है? प्योरिटी से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। देवियों में दो प्रकार की देवी दिखाई है, एक शाकाहारी
और एक मांसाहारी, मांसाहारी है महाकाली और शाकाहारी है वैष्णवी, किसका आवाहन करना है? वैष्णवी का, शाकाहारी का आवाहन करना है, तो देवताओं की दुनिया स्थापन होगी। वो राज करेगा खालसा, तो किसके ऊपर राज करेगा? सूर्यवंशियों के ऊपर राज करेगा या चंद्रवंशियों से लेकर के इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के ऊपर राज करेगा? सूर्यवंशी के ऊपर राज करेगा। हाँ पवित्र होता है, लेकिन दुनिया के हिसाब से पवित्र होता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने सूर्यवंशी या आयेगी के आदि वाली आत्माओं को कंट्रोल कर लिया। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन को कंट्रोल किया, उनके ऊपर मुखिया बने या सूर्यवंशियों के ऊपर मुखिया बन गए? इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन उनकी गोद में पले। दिल्ली के ऊपर किसने राज्य किया? सब ने राज्य किया, हर धर्म ने राज्य किया। इसलिए बोला दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है, बाप की भी नजर है। जगदम्बा के लिए बोला कि राज करेगी वो, राज करेगी खालसा। वो खालसा जो है खालसे के ऊपर राज्य करेगी या जो अपवित्र है उनके ऊपर राज्य करेगी? ब्राह्मण परिवार के अंदर राज करेगी? ब्राह्मण परिवार में सब अपवित्र हैं या सब पवित्र हैं? नंबर वार हैं तो अपवित्रों के ऊपर राज्य करेगी, लेकिन वैसे भी शक्ति किसके ऊपर राज्य करेगी? दो माताएं होती हैं, एक भारत माता एक वर्ल्ड मदर। भारत माता वो घर संभालती है और वर्ल्ड मदर बाहर देखती है। जैसे घर परिवार में होता है, छोटी माँ होती है वो घर परिवार संभालती है, घर के अंदर रहती है, और बड़ी अम्मा जो सास कही जाती है वो चारों तरफ देखती है। बोला बाबा कि हजार गुना ज्यादा तो माता, मतलब बच्चों को मतवा हो जाएगा उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों। हाँ, उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों का तो मतवा कुछ भी नहीं है। जो एडवांस पार्टी में माता निकलेगी वो तो सारे हर धर्म की आत्माओं को कंट्रोल कर लेगी। तो वहाँ पर विश्व की बात है, सारे विश्व को नहीं करेगी। विश्व माता नहीं कही जाती है, विश्व पिता कहा जाता है। हाँ वर्ल्ड मदर है, मदर का मतलब ही होता है सेवा करने वाली। पाँच हजार करोड़ की आत्मा जो भी है, धनुराज का पाठ ब्रह्मा की सर्व जाएंगे। एक आदमी बोलो ना, पाँच हजार करोड़ जो भी आवाज़ी उससे राज करने की बात नहीं। डूबी जा होने का मतलब क्या है? डूबी जा हुआ तो वो कब होता है? ये डूबी जा जो देवियों को लिए दिखाया गया है वो कब होता है? डूबी जा सबके सामने जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो देवी की हो जाती है। डूबी जा क्या वो डूबो देते हैं वो आत्मा? हाँ, जो भगवान को पहचानने वाले हैं, पहचानने नहीं दिया। जो सूर्यवंशी होंगे वो भगवान को पहचानेंगे या और वंश के अनुभव प्रभाव में आ जाने वाले होंगे वो भगवान को पहचानेंगे? जो सूर्यवंशी होंगे वो भगवान को पहचानेंगे। भगवान को पहचानेंगे तो देवियों के स्वरूप को भी पहचान जाएंगे कि इनमें कहाँ लूपोल भरी हुई है। तो बाबा जो बोला हजार गुना ज्यादा मर्तबा हो जाएगा तो बच्चों का ब्रह्मा कुमार कुमारियों से, तो बाबा किस आधार पे फिर बोला? सही जगदम्बा, ब्रह्मा कुमार कुमारी को तो सारी दुनिया जानती है, टीवी को तो कोई नहीं जानता। टीवी के को तो कोई भी नहीं जानता, ज्ञानी चलने वाले भी जानते हैं। तो ज्ञानी जानेंगे, ज्ञानियों से ही मतलब है, दूसरों से कहाँ मतलब? बाबा जो हजार गुना ज्यादा तुम बच्चों का मान मर्तबा हो जाएगा। अरे हजार नहीं, लाख गुना ज्यादा। बाबा किस आधार पे होगा? उसी आधार पर है कि अभी जो आबादी है वो तो बीके और पीवी की कुछ भी नहीं है, आगे चल के लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। तो लाखों की तादाद में सेंटर्स होंगे तो पढ़ने वाले कितने होंगे? करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे। तो अभी का मर्तबा और उस समय के मर्तबे में तो बहुत अंतर पड़ जाते हैं। भगवान को पहचानने वाले इन लोगों ने पहचाना भगवान के लिए? हैं भगवान को पहचानने वाले सभी लोग लगभग पहचान रहा है भगवान को, हैं सामने बैठा हुआ भगवान सामने बैठा हुआ भगवान नहीं होता है।
सन्मुख दो तरह से होता है, एक होता है स्थूल रूप में सन्मुख और एक होता है अंदर का सन्मुख। जो अंदर का सन्मुख होता है वही सन्मुख होता है, जो सदैव सन्मुख रहे, कभी भी मुख न हो, कभी भी विपरीत संकल्प न चले। अगर एक बार भी विपरीत संकल्प चलते हैं तो बच्चा मुआ, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? नहीं, माला के मणकों में अब्बल नंबर का ठौर नहीं मिल सकता। एक ही पर्सनालिटी होगी वो तो, हाँ एक पर्सनालिटी होगी तो एक ही पूरा पहचानता है भगवान को, इसलिए हिलेगा डुलेगा नहीं। बाकी सब नंबर वार पहचानने वाले होंगे, नंबर वार पहचानने वाले होंगे तो नंबर वार अनिश्चय बुद्धि तो बनते होंगे। अरे जब बोल दिया शंकर को, तुम बच्चे भी नहीं पहचान पाते। शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी पहचान न सको। बोला तुम बच्चे भी पहचान सकते, हाँ वो वंडरफुल पार्ट है ना। भारत की पर्सनालिटी के शंकर है, अमावन कहा गया भारत पूरा नास्तिक बना हुआ है। हाँ भारत में तो सारी दुनिया समा, भारत सब धर्म कहाँ से निकले? भारत से ही तो निकले। भारत की पर्सनालिटी शंकर की पर्सनालिटी है, जो बाप की पर्सनालिटी, जो बच्चों की पर्सनालिटी। पवन का भारत चीन है, हिंदुस्तान और भारत और क्या बोलते हैं इंडिया। इंडिया किसका धरा हुआ नाम है? विदेशियों, तो विदेशियों का धरा हुआ नाम है, वो तो हिंदी ही करते हैं। भारत जो नाम है वो भारतवासियों का सच्चा नाम है। भा माना रोशनी, रत माना लगा हुआ, काहे में लगा हुआ, ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ माना भारत। जो हिंदुओं का स्थान है, देवताओं का स्थान नहीं है। तीनों पर्सनालिटी अलग अलग होगी क्या जी? तो पर्सनालिटी वो स्थान नाम लगा हुआ है, भारत में कोई स्थान थोड़ा ही लगा हुआ है, उन्होंने स्थान का नाम रख दिया है। भाई भारत की जैसे के तीन टाइटल धारी जो नाम पड़े हैं, जैसे क्या होगी अलग अलग में? ये तो तुम पूछ रहे हो ना, पूछने को कुछ भी कोई पूछ सकता है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि भारत वो है जो रोशनी में लगा रहे, रोशनी को कुरे देने में लगा रहे। रोशनी माने ज्ञान की रोशनी, और इंड कौन करता है? इंड करने वाला अच्छा होता है या आदि करने वाला अच्छा होता है? आज देव अच्छा या अंत देव अच्छा? आज देव अच्छा, क्योंकि वो नई दुनिया लाता है। बाबा अमृत मेले का एक्यूरेट समय जैसे कोई 12 बजे से उठता है, कोई 2 बजे से, कोई 1 बजे से, तो एक्यूरेट समय क्या है? पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी, गोल पृथ्वी में जब सूर्य उगता है तो सवेरे के 5-6 बजते हैं, और सूर्य डूबता है तो भी 5-6 बजते हैं, और डूबते डूबते घोर अंधकार जब हो जाता है तो पूरा ही परे चला जाता है। ये गोल पृथ्वी है, सूरज इधर चमक रहा है, मान लो इधर भारत है तो यहाँ अभी सवेरा है, और अमेरिका में अंधेरा है, तो सूर्य उदय के हिसाब से सवेरा और अंधेरा माना जाता है। ये है ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य जब ब्राह्मणों की दुनिया में गुप्त हो जाता है, किसी को पता नहीं, तो रात्रि के 12 है, और थोड़े थोड़ों को पता लगता है, तो जैसे रात्रि के 12 बजे के बाद विदेशी लोग मानते हैं नया दिन, तो विदेशियों के लिए सूर्य उदय हो गया। बाबा भी कहते हैं, बाप को पहले पहले कौन पहचानते हैं? विदेशी पहचानते हैं। ये ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता की बात है कि विदेशियों की बुद्धि में ज्यादा तीखे होने के कारण, सात्विक बुद्धि होने के कारण वो बाप को पहले पहचानते हैं, और भारतवासी
नहीं पहचानते। तो रात्रि के 12 बजे के बाद से ही अमृत वेला शुरू हो जाता है। लेकिन भारतवासियों का जो अमृत वेला है वो कृष्ण जन्म से माना जाता है। क्या बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, माना अकेले स्वयं बाप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता, कृष्ण बच्चे के द्वारा अपने को प्रत्यक्ष करता है। सन सोज फादर, फादर सोज सन, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? सन सोज फादर, फादर सोज सन, फादर और सन के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन है? अरे बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, तो दोनों के बीच में ज्यादा पावरफुल होगा वही तो पहले प्रत्यक्ष कर लेगा। बाप ज्यादा पावरफुल है तो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा कि खुद पहले प्रत्यक्ष होगा? बच्चों को प्रत्यक्ष। इसलिए जब तक कृष्ण जयंती ना हो तब तक बाप की जयंती नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति मार्ग में रात्रि के 12 बजे कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं और महाशिवरात्रि भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। बच्चे के साथ पाप का जन्म होता है। जैसे 12 बजे से अमृत वेला करते हैं तो फिर तो बाद में नींद आने लगती 4 बजे। हाँ हाँ, जितनी ताकत हो उतना काम करो ना। तेते पाँव फसा लिए जेती लांबी पौर, की ताकत है आराम से सहज राजी हो गए कठिन राजी हो गए। तो ऐसा तो काम क्यों करते हो जो नीचे झुटके आने पड़े, विदेशी बन जाओ। इसीलिए तो बता रहे हैं कि मुर्गा जो होता है वो दूसरों को जगा देता है, खुद भी जग जाता है, फिर बाद में सो जाता है, बाद में सो जाता है। पटना देखो और उस बोर्ड पे लिखा है ज्वाला देवी, ओम शांति लिखा है तो ओम शांति लिखने वाले कुछ भी लिख दे। और बाबा वो धर्मराज वाला ब्रह्मा बाबा की सोनी धर्मराज का पाठ लगाएगी। ज्यादा धारणा ज्ञान की किसने की और दिव्य गुणों की ज्यादा धारणा किसने की है? अरे धारणा ब्राह्मणों की दुनिया में धारणावान कौन दिखाया गया? ब्रह्मा बाबा। तो वो ही धर्म का राजा होगा या कोई दूसरा धर्म का राजा हो जाएगा? बाबा धर्मराज का पाठ कब तक चलेगा? जब तक दंड मिलता रहेगा लोगों को नहीं, जब तक पार्ट क्लियर होते रहेंगे तब तक धर्मराज का पार्ट भी चलता रहेगा। 18-19 से जन्म भी ले लेंगे, इसके बाद नहीं लेगा पार्ट। कृष्ण की आत्मा 18-19 में कौन सा जन्म ले लेगी? आत्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी या शरीर का जन्म लेगी? शरीर का जन्म लेगी। जो कृष्ण की प्रत्यक्षता 18 में होनी है वो कृष्ण संगम भी कृष्ण होगा या सत्यु का कृष्ण होगा? अरे संगम का कृष्ण होगा तो उसके साथ कंस भी होगा। बाबा सर ये दादा लेखराज की पर्सनालिटी कब जन्म लेगी? जब सत्य होगा तब पर्सनालिटी जन्म लेगी। कब होगा? 2036 उसके बाद ही होगा। उसके बाद ही होगा। अभी जैसे ब्रह्मा कुमारी बोल रहे हैं अपने एडवांस में बोल रहे हैं 2000। ब्रह्मा कुमारी तो बोलते हैं नेपाल में जन्म ले लिया है मम्मा बाबा ने तो मान ले होगे। भगवान मुरली कभी तो 2018 बोला है। 2018 का मतलब ये थोड़े कि बाबा ने हद में बोला। जो वेद के बच्चे हैं वो वेद की बात उठाएंगे, हद की दुनिया में बुद्धि लगाए रहने वाले हद की बात उठाएंगे। वेद का अर्थ ये है कि प्रत्यक्षता माना सबके सामने पता लग जाए। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो घर परिवार वालों को गांव वालों को पता लगता है ना, प्रत्यक्ष हो जाता है ना। पहले गुप्त था, गर्भ में था, फिर बाहर आया तो प्रत्यक्ष हो गया। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में संगम भी प्रश्न कृष्ण का पार्ट कौन सा है वो प्रत्यक्ष हो जाए। किसका? बच्चे के रूप में, बच्चे के रूप में 5 तत्वों का बच्चा। यहाँ आत्मा की संपन्नता के लिए बैठे हुए हैं या 5 तत्वों की संपन्नता पहले हो जाएगी? बोला है 2036 में 18 साल के राधे कृष्ण हो जाएंगे तो राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। 98 में किसकी प्रत्यक्षता हुई?
98 में जब 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस था और जन्माष्टमी का दिन था तो कौन से कृष्ण की प्रत्यक्षता हुई? द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई और संगम युग कृष्ण की प्रत्यक्षता हुई। वो पहला जन्म हुआ या दूसरा जन्म हुआ? पहला जन्म हुआ। ब्राह्मणों के कितने जन्म होते हैं? पक्का ब्राह्मण तब कहा जाता है जब यज्ञोपवीत धारण करे। यज्ञोपवीत धारण करना माने 3 ज्ञान के सूत्र 100% धारण हो जाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का ज्ञान क्या है और सृष्टि इनसे कैसे चलती है, कैसे 3 प्रकार की सृष्टि बनती है झाड़ में। एक है तने की सृष्टि, एक है तने के बाईं ओर की सृष्टि, एक है तने की दाईं ओर की सृष्टि। तो इस सृष्टि दिखाई गई है उसका ज्ञान बुद्धि में खप जाए तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है उस समय पक्का ब्राह्मण नहीं होता। कब होता है पक्का ब्राह्मण? यज्ञोपवीत, जब यज्ञोपवीत हो जाए तब होता है, तब पक्का ब्राह्मण होता है। तो ये बोल रहे हैं बाबा कि 9 लाख की पॉपुलेशन नहीं होगी क्या तब स्वर्ग में? स्वर्ग किसे कहेंगे? स्वर्ग माना क्या? हाँ, तो जो स्वस्थिति में जाएंगे वो इस नारकीय दुनिया में स्वस्थिति का अनुभव करेंगे। लोग दुनिया के उनको देवता समझेंगे। 2036 के बाद दादा लेखराज की पर्सनालिटी का जन्म होना है। हाँ जी। तो फिर बावन का 4.5 लाख माँ बाप है और 4.5 लाख बच्चे हैं, तो 9 लाख की जनसंख्या नहीं होगी स्वर्ग में? संगम की स्वर्ग में, संगम की स्वर्ग में 9 लाख की जनसंख्या? संगम की स्वर्ग में जन्म देने वाले बचेंगे या जन्म लेने वाले बचेंगे? लेकिन भगवान का 9 लाख आत्मा रहती है स्वर्ग में। हाँ, 9 लाख आत्माएं स्वर्ग में होंगी, जहाँ सब स्वर्ग में स्वर्गीय स्वस्थिति में स्थितवान होने वाले होंगे। 2036 के बाद स्वर्ग का कोई गायन नहीं भगवान मुंडी का? गायन को कौन की बात है, गायन तो यहाँ का है ना। जो पैराडाइज का गायन है, जो जन्नत का गायन है, जो स्वर्ग का राज गायन है, बैकुंठ का गायन है, वो संगम युग का गायन है या सत्युत्रेता का गायन है? तो माँ बाप के घर में रहते बच्चे इसमें गायन हो जाते हैं? वो ज्ञान गर्भ की बात है, बुद्ध रूपी पेट में वो आत्मा पलती है। लेकिन बाबा तो हो जाएगी, वो किसान किन आत्माओं की हो जाएगी? जो आत्मा की स्थिति को पाने वाले होंगे उनकी हो जाएगी या देवहानियों की हो जाएगी? उन्हीं की बात है। तो फिर राधा कृष्ण का जन्म तो हो जाना? राधा कृष्ण का जन्म 37 से पहले हो जाएगा? दे अभिमानी, दे अभिमानी बात पकड़ेंगे। जिस कृष्ण का कोई गायन ही नहीं है संसार में उसकी बात क्यों पकड़ना? बाबा एडवांस में तो ये सब क्या माने, दुनिया जो समझती है वही समझना चाहिए। नहीं बाबा, मुझे ऐसा लगा संबंध 1-1 से सत्युग शुरू होगा तो 36 तक संगम युग जो संबत 1-1 शुरू होता है का जन्म नहीं होना चाहिए। इसलिए जो संबत 1-1 शुरू होता है वो संबत हिस्ट्री बनाने वालों के बीच में होता है या हिस्ट्री का जिनको ज्ञान ही नहीं होता उनके बीच की बात है? जिन बनाने वाले देवताओं को हिस्ट्री का ज्ञान होता है? होता ही नहीं। माना सत्युग में 1-1 संबत का कोई वैल्यू नहीं। ये 1-1 संबत तब ही कहा जाएगा जब संगम युग कृष्ण की प्रत्यक्षता हो जाए। सौ साल की पहले भी आयु बताई थी, अभी भी बताई, ज्यादा से ज्यादा बढ़ कहाँ गई? एक आदमी बोलो ना। कृष्ण राधे का जन्म बताएंगे 36 के बाद होगा तो फिर हाँ क्या हुआ? आयु जो संगम युग की है वो कैसे पूरी हुई? संगम युग आयु कैसे पूरी हुई? 100 साल पूरे नहीं हो जाएंगे? 9 लाख आत्मा क्यों है? आज 9 लाख आत्मा संपन्न नहीं हुई, जो प्रवेश करने वाले वो संपन्न स्टेज वाले नहीं कहे जाएंगे? अगर संपन्न स्टेज वाले नहीं होंगे तो पेट से जन्म कैसे लेंगे? सत्युग में पेट से जन्म लेने वाले जो होंगे
वो पेट भी सतो प्रधान पांच तत्वों का होना चाहिए या तमो प्रधान तत्वों का होना चाहिए? सतो प्रधान तत्वों का होना चाहिए। साढ़े चार लाख आत्मा मतलब जो ज्ञान दहाड़ मारेंगी तब मतलब पहचान में आएंगी 9 लाख आत्माएं तो रहेंगी उस समय तो 4.5 लाख आत्माएं तो फिर किस तरह से पहचानी जाएंगी दुनिया में? 4.5 लाख में 4.5 लाख प्रवेश होने वाले होंगे या नहीं होंगे बाबा? तो जो 4.5 लाख प्रवेश होने वाले हैं होने की ज्ञान के पॉइंट से लोगों को समझ में नहीं आएंगे? ये चंद्रवंशी बोल रहा है कि सूर्यवंशी बोल रहा है? बाबा कैसे समझ में आएगा? अभी कैसे समझते? जैसे अभी समझते वैसे वहां भी समझेंगे। बाबा अभी तक ये समझे थे ना कि 18 में जन्म हो जाएगा राधे कृष्ण का, 18 साल के होते होते 2036 में राधे कृष्ण राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो टोटल 36 दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो 2036 से जन्म होगा ना तो 18 साल के होने में तो और भी आगे समय चला जाएगा, 2036 में कैसे स्थापना बनाएंगे? सत्युग में कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म। जो पहली डायनेस्टी होगी वो कितने साल चलेगी? सत्युग की पहली डायनेस्टी कितने साल चलेगी? 150 साल चलेगी। तो 150 साल में 150 साल पूरा होने के बाद जनसंख्या कितनी होगी? 2 करोड़। अरे 150 साल पहली डायनेस्टी में जनसंख्या कितनी होगी? 9 लाख। फिर 9 लाख अंत में होगी, 9 लाख शुरुआत में ही होगी? 9 लाख डायनेस्टी का जब अंत होगा तो 9 लाख जनसंख्या होगी, वो सब होंगे सूर्यवंशी। फिर इस्लाम वंशी आत्माएं प्रवेश करेंगी परमधाम से आकर के, तब दूसरे वंश शुरू होगा। लेकिन कहे जाएंगे सब सूर्यवंशी, लेकिन वो कम जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी, एक जन्म उनका कम हो जाएगा। अब अभी तक तो क्या क्या समझते रहे तो अभी सब कुछ समझा दे रहे तो आगे चल के क्या समझा देंगे? तुम तो कहते थे डारे में राधा कृष्ण को जाने हुआ तो अब कहाँ हो रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ। तो पांचों मुख्य ब्रह्मा जो है वो 500 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे या कुछ एक रह जाएंगे? 5 मुखी ब्रह्मा में एक मुख तो ऐसा है जो काट दिया जाता है। ब्रह्मा देह अभिमानी है कि आत्मा अभिमानी? देह अभिमानी। और सर अलग कर दिया जाए तो आत्मा अलग हो गई सर और शरीर अलग हो गया ना, तो जो आत्मा अलग हो गई देहभान अलग हो गया वो 76 में पहले ब्रह्मा का हो गया। आदि ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी कब हुई? 76 में। तो 76 में वो तो सर काट दिया तो आत्मा हो गई, बाकी रहे 4 ब्रह्मा। उन 4 ब्रह्मा के लिए भी यही है ना, जब तक देवहन है तब तक ब्रह्मा है। ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है, 100 साल की आयु पूरी होती है ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है, उनका मृत्यु लोक शुरू खत्म हो जाता है, अमर लोक शुरू हो जाता है। कौन कौन की पर्सनालिटी को 5 मुखी ब्रह्मा में गिना जाएगा? जो विष्णु है तो ब्रह्मा है। विष्णु में कौन कौन सी पर्सनालिटी है? वही 4 हो जाए, राम सीता कृष्ण चलाने वाला शिव बाबा। चलाने वाला शिव बाबा, बाबा ने कहा उनके फिर 4 भुजाओं के क्लेरिफिकेशन भी तो होना चाहिए। चार भुजाएं हैं तो उनका क्लेरिफिकेशन भी तो होना चाहिए, कौन सी नीचे वाली भुजाएं और कौन सी ऊपर वाली भुजाएं, कौन सी दाईं ओर की और कौन सी बाईं ओर की। भगवान कहा ना कि राइट हैंड राधा और फिर लेफ्ट हैंड राम और सीता,
तो नाम बताओ, राइट हैंड में कौन कौन? अरे नाम बताओ वर्तमान संगम युग के। राधा कृष्ण सत्युग का नाम है। दादा लेखराज और ओमराज। हाँ दादा लेखराज, दादा लेखराज गधा, ओमराज। हाँ सुदर्शन चक्र उनकी बुद्धि ज्यादा घूमती थी बाबा। वो 2036 के बाद आ रहे हैं दादा लेखराज। वो उनका टाइटल नाम है क्या और वास्तविक नाम है दादा लेखराज? संपन्न साथ साथ होंगे या संपन्न पहले हो जाएंगे? विष्णु की पांचों और चारों भुजाएं जो है वो साथ साथ संपन्न होंगी या आगे पीछे संपन्न होंगी? साथ ही साथ संपन्न होंगी। दादा लेखराज में कृष्ण की पर्सनालिटी। हाँ ठीक है। ओम राधे बने, राधे की पर्सनालिटी जो सत्युग में राधे बनेगी। है क्या होगा एडवांस पार्टी के भक्तों का क्या होगा? ज्ञान रिफाइन हो रहा है इतना तो एडवांस पार्टी का क्या होगा? एडवांस पार्टी का क्या होगा? एडवांस पार्टी के भक्तों का क्या? एडवांस पार्टी में भक्त होते कौन है ये तो पहले समझो। एडवांस पार्टी में ज्ञानी कौन सा ग्रुप है और भक्त कौन सा ग्रुप है? अरे है? अरे सभी बीजों में छिलका तो चढ़ता है लेकिन वो बीज कौन से हैं जो दूसरे धर्म के बीज हैं और उन पर दूसरे धर्म का छिलका चढ़ता है? जब दूसरे धर्म का छिलका चढ़ता है तो दूसरों से प्रभावित होने के बाद चढ़ता है या एक बाप से प्रभावित होने पर चढ़ता है? वही भगत। भक्तों की संख्या तो बहुत है। भक्त है रावण संप्रदाय। अज्ञानी की संख्या कम है, वो राम संप्रदाय है। ब्रह्मा सरस्वती दो हो गए और यज्ञ के आदि की दो माताएं चार हो गए और एक राम की आत्मा है? कौन सी? क्षेत्र में चार माताएं थी। यमुना कोई विष्णु बनती है क्या? जगदम्बा योगिनी है। जगदम्बा योगिनी है। हाँ योगिनी भाई योगिनी है। अरे जगदम्बा है वो सारे जगत की अम्बा होगी या सूर्यवंशियों की सिर्फ अम्बा होगी? फिर वो तो सूर्यवंशियों की अम्बा है सिर्फ। विजयंती रंग क्या है? सत्ता। अभी कहाँ से सत्ता? अभी एडवांस पार्टी में है ही नहीं तो सत्ता कहाँ से हो गई? अरे जिसने अभी ज्ञान को धारण ही नहीं किया उसकी गिनती अभी कहाँ से हो गई? बाबा ने कहाँ से बोल दिया? कैसे हाँ। तो बाबा तो कभी वेदांती फैन का नाम नहीं बोला ऐसा। ये तो मनमत है। धारणा की देवी वेदांती का बोला है? वेदांती का नहीं बोलने नहीं। हद में वेदों का अंत करने वाले और बेहद में वेदों का अंत करने वाले। हद के वेद शास्त्र हैं उनका अंत कर देते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं वो कोई कायदे कानून को नहीं मानते। और बेहद में है जो ज्ञान का
लाग लपेट सब खलास हो जाता है, देवता बन जाते हैं, उनको देवताओं को फिर ज्ञान की जरूरत ही नहीं, पूरी धारणा हो गई प्रैक्टिकल जीवन में, फिर ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। समझेंगे कि पूरी जीवन में धारणा प्रैक्टिकल हो चुकी है, इसकी जीवन में पूरी प्रैक्टिकल धारणा हो जाएगी, उसके सामने कोई समस्या ही नहीं रहेगी। समस्या है नहीं है किसमें? अरे उसकी तो अभी बात ही नहीं है, वो तो ज्ञान में ही नहीं है, एडवांस में ही नहीं है, ये तो तुम बोल रहे हो। बाबा कभी नाम ही नहीं बोलते, तुम्हारी बात कैसे मान ले? धनसत्ता का क्या है? कौन होगी? तुम खुद बता रहे हो, हम तो कुछ नहीं बता रहे। बोला ना बाबा, बाबा कहीं किसी मुरली में नाम बोलते हैं क्या? बाबा ने कहा है कि मैं किसी का नाम बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बताऊंगा कि किसका क्या पार्ट है, ये तुम बता रहे हैं, ऐसा श्रीमती के खिलाफ बात हो गई। और कृष्ण जो है वो का से शुरू होता है, और क्राइस्ट वो भी का से शुरू होता है, तो अक्षरों के आधार पर राशियां मिलाई जाती हैं। क्राइस्ट और क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स हैं उनमें क्रोध विकार और दिखावा, ये दो अवगुण ज्यादा होते हैं क्या? ऐसे ही क्रिश्चियन और क्रिश्चियंस के जो फॉलोअर होते हैं वो ज्यादा समझदार हैं, या 84 जन्म लेने वाले भारतवासी ज्यादा समझदार हैं? अभी भारत में भारतवासियों के मुकाबले विदेशी ज्यादा समझदार हैं या भारतवासी ज्यादा समझदार है? ज्यादा पत्थर बुद्धि कौन बने? भारतवासी ज्यादा पत्थर बुद्धि बने, और क्रिश्चियन तो सात्विक बुद्धि है। फिर भी तो उस हिसाब से बताया कि जो कृष्ण की आत्मा है न ज्यादा सतो प्रधान बनती है न ज्यादा तमो प्रधान बनती है, सीढ़ी के चित्र में। अंत में ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया गया, और राम की आत्मा को वही कांटों की सैया पर पड़ा हुआ दिखाया गया, तो ज्यादा तमो प्रधान कौन हुआ? राम, भारत, वो ज्यादा तमो प्रधान दिखाया गया। कृष्ण जो है फिर भी सतो प्रधान है, फिर भी पुरुषार्थ में खड़ा हुआ है, फिर भी धारणावान है, राम की आत्मा को उतना धारणावान नहीं दिखाया गया, ये अंतर पड़ता है। क्या मतलब ये तो ठीक है बताया कि सत्व प्रधान और तम प्रधान के बताया, क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स वो ज्ञान को ज्यादा समझते हैं या राम और राम के फॉलोअर्स ज्यादा ज्ञान को समझते हैं? राम और राम क्रिश्चियंस वो कौन से जानवरों को पालना पसंद करते हैं? और ब्रह्मा बाबा ने कौन से धर्म की आत्मा को पाला? इस्लाम धर्म की आत्मा को पाला ना, तो बात मिल गई ना। उनके जन्म कम होंगे या राम वाली आत्मा के जन्म कम होंगे? कृष्ण वाली आत्मा के जन्म कम है और राम वाली आत्मा के जन्म ज्यादा है। राम की आत्मा को खड़ा हुआ दिखाया है, ज्यादा तमो प्रधान बन गया ना। तो बाबा कहते हैं अलग कोई याद करो, अलग कोई याद करो, अलग कोई याद करो। हाँ, जबकि 16 कला श्री कृष्ण है, 14 कला राम की आत्मा है। 14 कला राम भक्ति की बात बता रहे हो ना, वो यज्ञ के आदि की बात बता रहे हो, फेलियर की के अंत की बात बता रहे हो? पड़ा हुआ खड़ा का अंतर है। हाँ, जो पड़ा हुआ खड़ा हुआ का अंतर है वो अंत की बात है या आदि की बात है? बाबा ने कहा ना कि बोलते हैं कृष्ण की आत्मा 16 कला संपन्न बनती है,
कृष्ण की आत्मा जो 16 कला संपूर्ण बनती है वो शरीर रहते रहते बनती है या शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर का आधार लेती है तब बनती है? तो बहन किसका होगा? ब्रह्मा तो विष्णु बनता है ना? हाँ, ब्रह्मा तो विष्णु बनता है। पहला ब्रह्मा कौन बोल गए? बुद्धि वही टिकती है जाकर के नंबर दो में। प्रजापिता तो राम की आत्मा कहा? हाँ, राम बाप को ही कहा जाता है, बच्चे को थोड़ी कहा जाता है। लेकिन राम नहीं कहा, कृष्ण राम बन वो ब्रह्मा तो विष्णु बनता है, है? ब्रह्मा की पर्सनालिटी विष्णु बनती है, राम की पर्सनालिटी तो विष्णु ही। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु। विष्णु में भी कैटेगरीज हैं, कोई दाएं तरफ का हाथ, कोई बाएं तरफ का हाथ, कोई विष्णु में चारों भुजाओं को चलाने वाला। तो चारों भुजाएं ज्यादा श्रेष्ठ हुई या चलाने वाला ज्यादा श्रेष्ठ हुआ? चलाने वाला ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। भुजाएं तो सिर्फ भुजाएं मात्र हैं, सहयोगी मात्र हैं, वो सहयोगी हैं, उनका मुखिया कोई और है। और जैसे अपन को कुछ काम करना है तो बाबा तो हर समय नहीं मिलते ना, तो फिर क्या श्रीमती मतलब? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा ना, है? हम ये कह रहे जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना, बोलो उतना ही मीठा होगा या ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? उतना ही होगा। तो जितना तन लगाएंगे, जितना धन लगाएंगे, जितना मन लगाएंगे, जितना समय लगाएंगे, जितना संबंधियों की शक्ति लगाएंगे, संपर्कियों की शक्ति लगाएंगे, उतना फायदा हो जाएगा। तो अब जो ज्यादा सब कुछ लगाएंगे वो नजदीक नहीं पहुंचेंगे। जो तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ अर्पण करेंगे वो नजदीक पहुंचेंगे या दूर हो जाएंगे? नजदीक पहुंचेंगे। जो नजदीक पहुंचेंगे तो उनको मौका मिलेगा ना घड़ी घड़ी श्रीमत लेने का, जिन्होंने लगाया ही नहीं तो नजदीक कहां से पहुंचेंगे? अब ये तो साधन हुए, साधनों के आधार पर साधन चलेगी अंत तक, फोन खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे? अब हिंदुस्तानी के मुसलमान बिगड़ जाए, अब मुसलमान घुसे हुए हैं हर ऑफिस में, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो चाहे वो सरकारी कंपनियां हो, और वहां घुस करके उन्होंने सारे यंत्र तंत्र सब खराब कर दिए, तो मोबाइल रहेगा रह जाएगा? मोबाइल खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? बुद्धि से तो वही तो बात है ना, बुद्धि का योग ऐसा बनाओ ना, हाँ, जिससे नजदीक पहुँच जाए। पत्नी पत्नी को मतलब आधा हिस्सा देता है, तो पति पत्नी को आधा हिस्सा देता है, आधा रहता है। हाँ, तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं है, 15 साल से गोल हो गए हमारे पति, 15 साल से गायब है, 15 साल से, हाँ, तो नौकरी ज्ञान में चल रही हो? ज्ञान तो आप पति कौन है फिर? भगवान। अरे राम गड़बड़ कर दिया है। तो आपको कमरे में ले रहा है तो क्यों याद कर रही हो उन्हें? निकाल रहे कमरे वाले। जो बंधन में बंधी हुई है वो तो रो रही है कि हमको पवित्र नहीं रहने देता। अब तुम याद कर रही हो? याद नहीं कर रहे, कमरे में रह रहे हैं, सरकारी क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं। तो क्या हुआ? तो निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं तो निकल जाओ, कमाओ खाओ, दुनिया कमाती खाती है, हाथ पांव दिए हैं, कमाओ खाओ, नहीं तो इसी ज्ञान में चलो, बाबा गारंटी देते हैं तुम भूख नहीं मरोगे। तो बोल जैसे नौकरी करते थे कल क्या है 14-15 हजार, हाँ, तो वो कैसे पता है बाबा? घर आए कि नहीं? घर नहीं है। घर बार नहीं है? नहीं, किराए पे है? किराए पे नहीं, सरकारी क्वार्टर में रह रहा है। सरकार कुछ तो है संपत्ति घर में कि नहीं? कुछ भी नहीं है, है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं तो मैंने तो मजदूरी करो और चुका दो। तो सर किराए कैसे दे पाऊंगी? किराए से कैसे है? किराए से कैसे? किराए पर कैसे रह पाएंगे? थोड़ी सी नौकरी मिला जा मतलब आदमी मेहनत करे। नौकरी भी नहीं मिल रही, जैसे नौकरी करते थे। आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे?
हैं? चार साल, आठ साल, आठ साल। कर्जा कब लिया? कर्जा अभी नहीं, कर्जा जब से कर रहे हैं। कब से? बहुत दिन से कर रहे हैं। हाँ, कितने साल हुए कर्जा लिए? लेना देना जब से चल रहा, बहुत दिन से चल रहा। अरे बताओ ना कितने साल हुए, सो नहीं बताएंगे? उनके पति हैं, चले गए ना पति छोड़ के 15 साल पहले। हाँ 15 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए। अब 15 साल से लेकर के अभी तक 15,000 कर्जा नहीं चुका पाया? नहीं चुका पाया, तीन बच्ची हैं तो कन्या तो बाबा धर्म समझते थे। कन्या तो बाबा धर्म समझते, वो तो चलो हल्की हो गई। और दोनों बच्ची हैं साथ में, लड़की हैं दोनों लड़की। कितने साल के? एक 16 साल का, एक 18 का। एक 16 साल का, 18 साल का, उनसे काम करवाओ। वो एक पसंद ना लगा, एक पढ़ रहा है। काई के लिए पढ़ा रहे हैं, डागली पढ़ाई है तो? नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़ रहे? नहीं छोड़ रहा हूँ। तो तुम उसे छोड़ दो। 16 साल का है, 16 साल का है। 16 साल या तो 12 साल के बच्चे खूब पैसे कमाते हैं। कमरे में से निकाले तो निकल जा। ये तो नौकरी की चल रही है, बाबा ने कई मुरली में से नौकरी की है। नौकरी टोकरी है तो ईश्वरी ज्ञान में चल पड़ो। कर्जा पटावे भाग जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ चले गए, कर्जा किन से लेंगे? बच्चे जब बच्चे ज्ञान में नहीं चलना चाहते तो तुम क्या कर लोगे? दुनिया हावी होगी। जैसे सर श्रीमत की बार खिलाफ नहीं है, खाली जो कन्या है ना बाबा घर में समय पे, तो उनके सहयोग से गई है दोनों बच्चे। हाँ तो फिर तुम उनको अपना फॉलोअर बनाओ। तो कर दो, कमरा खाली करवा रहे। कर दो इनके वो मतलब युगल थे ना, बहुत करते थे सर्विस सरकार, तो वो चले गए, उनका पता नहीं था आज तक भी नहीं घूम गए हैं। तो ये कह रही हूँ सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ बाबा। सरकारी क्वार्टर पे 6 महीने के अंदर खाली कर देना चाहिए। और आपके ऊपर रहम कर दिया, 8 साल 18 साल हो गए, उसने 15 साल। वो कहते हैं कि कमरा खाली करो, उनके नाम सबूत और पति कामरा नौकरी करो। ये ढेर सारी पब्लिक बैठी हुई है, इसके बीच में पर्सनल बातें नहीं पूछनी चाहिए। तो हमें वैसे मौका ही नहीं मिल पाया ना बाबा। इसका मौका नहीं मिलता, इन सबको कैसे मौका मिल जाता है? मौका निकालो तो मिलेगा। हाँ कौन सी कर दी? थोड़ा हिस्ट्री मालूम है क्या? वो लाश है जो लिटरेचर गुम बंधा हुआ पड़ा है उसमें मिट्टी के अंदर, वो लाश है। हैं? हैं? गुप्त को लाश कहा जाता है? लिटरेचर बात अलग है और लाश अलग बात होती है। बाबा ने मुरली में बोला कि बाबा की लाश भी गुम कर दी। लाश गुम कर दी है क्या? ऐसा मतलब ये हुआ कि जब यज्ञ के आदमी में झगड़ा हुआ है तो जो बड़े बड़े लोग थे उनमें बितंडावाद फैला तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो बाबा ने कहा कि शिवा भाई कौन? तो ऐसी बात करते हो जैसे 84 जन्म लेने के बाद कोई आदमी शरीर ही नहीं छोड़ता है। जब लाश गुम होती है शरीर छोड़ता है तो कहीं जन्म लेता है कि नहीं लेता है? कोई शरीर छोड़, तुम मुरली की बातों को काट करना चाहते हो तो समझो पहले को। जब कोई शरीर छोड़ता है तो 4 महीने पहले से दूसरे शरीर तैयार हो जाता है कि नहीं? बोलो तो कैसे कहोगे कि सदा कायम है या नहीं है? तो होते जाता है लेकिन क्या सदा कायम तो नहीं रहा ना वो पेट में कायम है ना? 4 महीने पहले से ही पेट में कायम है। ऐसे तो फिर पूरी मनुष्य एडवांस रुचि वाला की पहले पहले से देख लेती है शरीर तो पहले से ही कायम है वो। आलम पाटदारी है
तो भाई यहाँ तो यही बात हो रही है ना, इस शक्ति पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम तो एक शिव बाबा है। इसका मतलब जो आत्मा आज से लेकर के अंत तक कंटिन्यू पार्ट बजाने वाली है वही सदा कायम है। अष्टदेव सजा नहीं खाते, पाप करे थे उसने सजा नहीं खाएगी। अरे पार्ट बजाना अलग बात है, सजा खाना अलग बात है, प्रवेश होना अलग बात है, सजा खाने से और पार्ट बजाने से अलग अलग कनेक्शन है, एक बात नहीं है। सजा तो जो बड़े बड़े नेताएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया उन्होंने भी सजा खाई, जिन्होंने भारत देश के लिए प्राण अर्पण किए उन्होंने भी सजा खाई, सजा खाना क्या बड़ी बात है। माँ के पेट में जाता है तो आत्मा चुरपुर होती है, 4 महीना तो सजा तो मिलती होगी माँ के पेट में बच्चे। तो क्या हुआ, सजा खाना कोई खराब बात हो गई क्या? सारी दुनिया सजा खाती है तो वो भी सजा खाता है, और शिव बाबा कोई भगवान थोड़े ही है, भगवान तो ऊपर वाले को कहा जाता है या नीचे वाले को कहा जाता है। फिर जिसको तुम ऑलराउंड पार्ट धारी कहते हो वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाला हुआ कि बिना चक्कर में आने वाला हुआ? ठीक है बाबा, क्या तैयार हो रहा है? तैयार हो रहा है, शरीर नहीं छोड़ता, दूसरा प्रवेश कर सकता है? दूसरा क्यों प्रवेश करेगा, बोल कर प्रवेश करेगा, सैनिक होते ही एकदम शरीर छोड़ देते, कौन से छोड़े थे? उनका लक्ष्य क्या होता है, उनका लक्ष्य क्या होता है? लड़ाई लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा, अचानक शरीर छोड़ दिया, उनका लक्ष्य क्या है? देश की रक्षा के लिए, तो अच्छा लक्ष्य है ना, इसलिए उस अच्छाई के कारण उनका पहले से ही शरीर तैयार हो जाता है। चलो भैया।